हो गया? हो गया तो दे दो, जल्दी भेज देंगे छापे खाने वाले के पास, तो कल तक छप के आ भी जाएंगे निमंत्रण। दे दो ये। बहू, ऐसी नीली पीली सूरत बना के रहोगी? ये मुंह पे ना, गाल पे वहां स्याही लगी हुई है, जाके मुंह धो अच्छे से। और सुनो, जरा ठीक से सजो सवरो, बल्कि हम तो कहते हैं आज कुछ ऐसा अलग तरह से सजो कि अनिरुद्ध तुम्हें देखे ना तो देखता रह जाए। अलग कैसे सजू मैं काका ससुर जी? हमें कैसे पता होगा, हम कभी ना थोड़ी। ये बिरिस्ता बाबू के कपड़े हैं तो मुझे दे दीजिए। अरे हम पहुंचा देते हैं ना बहुरानी जी। अरे दीजिए ना। तुम लड़की हो, तुम समझदार हो, खुद पता करने की कोशिश करो कि अनिरुद्ध को किस तरह की सजी हुई लड़कियां पसंद आती हैं। काका ससुर जी ने तो कह दिया कि पता लगा, पर मैं कैसे जानूं कि पति बाबू को कैसे कपड़े पसंद है लड़कियों पे, कैसे सजूं मैं कि अच्छी लगूं पति बाबू को। अनिता उठो उठो उठो, संभाल कर। क्या है ये सब ममता, ये क्यों पहना है तुमने? बिल्कुल भी अच्छे नहीं है ये कपड़े, जरा भी आरामदायक नहीं है। क्यों पहना तुमने इसे ममता? ये तो बहुत जैसा लग रहा है सर पे, ऐसा लग रहा है जैसे 100 सुइयां लगा दी मेरे सिर पे। ममता, क्या जरूरत थी इस तरह तैयार होने की? संभल कर, क्यों पहने तुमने ये सब कपड़े बताओ। ममता, संभल कर चलो, गिर जाओगी फिर से। देखो, बिल्कुल इनके जैसे लगना चाहती थी मैं, ताकि खुश हो जाए, पर ऐसे कर ही नहीं पाई मैं। ममता, तुम्हारे ये सब करने से मैं खुश नहीं हो रहा हूँ ममता।
तुम्हें इस तरह देखकर, इतने दर्द में देखकर मुझे अच्छा लगेगा क्या कभी? वंदिता, ये सब करके तुम कुछ हासिल नहीं कर रही हो, तुम सिर्फ दया का पात्र बनती जा रही हो। और वंदिता, मैं कभी नहीं चाहता कि तुम दया का पात्र बनो। मैं कभी नहीं चाहता कि तुम्हारा आत्मसम्मान कम हो। मैं तो चाहता हूं कि वंदिता जीवन में सर उठाकर चले। वंदिता चले, लोग उसे देखें तो उन्हें गर्व हो वंदिता पर। वंदिता, तुम्हें कुछ और बनने की जरूरत नहीं है। रो मत, तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो वंदिता। पर अगर कुछ बनना ही है तो कुछ ऐसा बनो जो मिसाल बने सबके लिए, हिम्मत बने सबकी, हौसला बने सबका। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, सुनोगी ना? प्रगति होना चाहिए तुम्हारा लक्ष्य, सिर्फ प्रगति। प्रगति वंदिता, तुम्हें पढ़ाई करनी है। तुम विद्यालय जाती हो, पढ़ाई करती हो, तुम्हें खूब मेहनत से पढ़ाई करनी है और शिक्षा से दुनिया को बदलना है तुम्हें वंदिता। बहुत निडर लग रही हो, वरना इन लड़कों के बीच तुम अकेली लड़की कैसे होती यहाँ इस विद्यालय में? तुम सबसे अलग हो, एकदम अनोखी। बैरिस्टर बाबू बनना है तुम्हें। बैरिस्टर वंदिता रॉय चौधरी बनोगी ना? बैठो यहां पर, संभाल के आओ। चुप रहा होगा ना तुम्हें? वंदिता, तुम जैसी हो वैसी ही बहुत अच्छी हो। ये सब करके किसी और की तरह बनने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। था तुम जानती हो, तुम सबसे अलग हो, सबसे अलग, सबसे अनोखी पहचान है तुम्हारी। क्यों किसी और की तरह बनना चाहती हो तुम वंदिता? बेकार की चीजें है ये सब। तो अगर मैं इतनी अच्छी हूँ तो फिर हमारे पति पत्नी के रिश्ते को क्यों नहीं मानते? सिर्फ अपनी जिम्मेदारी क्यों मानते? वंदिता, किसने कहा कि मैं तुम्हें पत्नी नहीं मानता? मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ वंदिता। पत्नी हो तुम मेरी, लेकिन वंदिता एक जिम्मेदारी की तरह। मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो ना तुम, जानती हो ये बात है कि नहीं? फिर जिम्मेदारी से रिश्ता नहीं जोड़ सकते वंदिता। मेरे भी इस घर के प्रति, आपके प्रति जिम्मेदारी है, पर क्या इसका मतलब ये है कि मेरा इस घर से, घर वालों से, आपसे कोई रिश्ता नहीं? का ख्याल रखना, एक दूसरे की चिंता करना है, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने की भावना है, तो फिर हमारा रिश्ता बाकी पति पत्नी से अलग कैसे? आप क्यों नहीं मानते कि हम दोनों दुनिया के सबसे अच्छे पति पत्नी हैं?
बोंदता तुम क्यों नहीं समझती? तुम बहुत छोटी हो बोंदता। आप कह रहे हैं कि छोटी हूँ मैं, पर बाकी सब तो कहते हैं कि बड़ी हो गई हूँ मैं। आप ही कहिए, क्या मानूं मैं अपने आप को? बाल विवाह जैसी कुप्रथा ने बोंदता जैसी मासूम और समझदार लड़की के नाजुक मन और दिमाग पे कितना बुरा असर किया। इसीलिए बोंदता को ये सब एक बच्ची की तरह समझाना पड़ेगा मुझे। मेरी एक बात समझने की कोशिश करना। जिस पति पत्नी के रिश्ते को तुम ढूंढ रही हो, वो रिश्ता हमारे रिश्ते में संभव नहीं है, समझ रही हो? बोंदता शादी के गठबंधन की एक बूंद नहीं, शिक्षा का पूरा समंदर। पूरा समंदर पाने का लक्ष्य होना चाहिए तुम्हारा। बोंदता, शिक्षा से तुम अपना और अपने साथ कितनों का जीवन बदल सकती हो, इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकती तुम, समझ रही हो? एक मिनट, चलो तो अब फिर से कोशिश करते हैं। तो बताओ बोंदता, ये क्या है? रेलगाड़ी की पटरी जिस पर रेल चलती है। बिल्कुल सही। तो क्या काम होता है इन पटरियों का? हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाना। अरे वाह, ये भी पता है तुम्हें। तो बोंदता, अब ये समझो कि हम दोनों, मैं और तुम, इन पटरियों की तरह हैं, और हमारी पटरी पर चलने वाली गाड़ी हमारी जिंदगी। तो जब तक ये दोनों पटरियां एक साथ चलती रहेंगी थोड़ा सा दूर, तब तक इसके ऊपर चल रही गाड़ी अपनी मंजिल पर पहुंच पाएगी। लेकिन अगर ये पटरियां पास आ गईं, आपस में जुड़ गईं, तो क्या होगा? ऊपर से रेलगाड़ी पटरी से नीचे गिर जाएगी। मतलब हम हमारी जिंदगी में मंजिल तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। अब ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं ना? अनिरुद्ध, मैं देख कर आता हूँ। काका क्यों बुला रहे हैं तुम? कपड़े बदल कर आ जाओ बोंदता, बोंदता जैसी बनकर आ जाओ। अरे तुम कहाँ जल्दी? बैठो बैठो, तुम्हारी भी शादी होने वाली है, जरूरी है कि सब देख लो, समझ लो। हाँ अनिरुद्ध, ये निमंत्रण पत्र जो है मनोरमा के नियोते के लिए बनवाया था। देखो क्या छप के आया है इसमें। देखो देखो, अरे देखो देखो देखो। इस पे तो अनिरुद्ध संग बोंदता लिखा है। अरे वही तो, वही तो। अब जिस रिश्ते की डोर ईश्वर ने स्वर्ग में जोड़ दी हो, जो रिश्ता
पूरे रीति रिवाजों के साथ पवित्र अग्नि के सामने जुड़ा हो। उस शादी नाम के रिश्ते से तुम दूर भाग सकते हो क्या भला अनिरुद्ध? अब देखो, लिखना था मनोरमा संग जोयोदीप और नाम जुड़ा है अनिरुद्ध और बोंदिता का। सारे न्योतों पे देखो अनिरुद्ध, ये है हमारी बोंदिता बहू के एक चुटकी सिंदूर की ताकत। मुझे तो मांग में सजाना था चमत्कारी सिंदूर आपसे, पर तुक्का माने तो पूरे शरीर पर ही चमत्कारी सिंदूर लगवा दिया आपसे। अब मुझे मिलेगा पति का कुशल साथ। ना पति बाबू कि हम रेल की पटरी जैसे साथ चल तो सकते पर मिल नहीं सकते, पर देखिए ना दुग्गा माँ चाहती है कि हम एक साथ रहें। वरना मनोरमा जी के निमंत्रण पत्रिका पर हमारा नाम साथ क्यों जोड़ा होता? इस तरह से तुम्हें समझ आ गया बोंदिता, या किसी और तरीके से समझाने की जरूरत है अभी मुझे? बोंदिता तुम पढ़ लिख कर भी नहीं समझी कि ये सिर्फ एक छपाई की गलती है। कोई संकेत नहीं, किसी सिंदूर की कोई ताकत नहीं। निमंत्रण पत्र का फाड़ी है आपने, पर बाकी सब पर तो हमारा नाम जुड़ा है ना? दादा, बिल्कुल सही कह रही है बहू, बिल्कुल सही कह रही है। काका, अरे जमीन से लेकर के आसमान तक तुम दोनों का नाम साथ में जुड़ा है। काका ये ठीक है, तो अब जहां जहां मेरा और बोंदिता का नाम जुड़ा होगा मैं वहां वहां से मिटाऊंगा, उसे वहां वहां से हटाऊंगा। इन सारी पत्रिकाओं पर जुड़ा है ना? इन सारी पत्रिकाओं पर लिखा है ना? तो देखिए, हमारी शादी खुद एक कुप्रथा थी, एक दूसरी कुप्रथा को रोकने के लिए। तो अब जहां जहां मेरा और बोंदिता का नाम जुड़ा होगा मैं वहां वहां से मिटाऊंगा, उसे वहां वहां से हटाऊंगा। वो रिश्ता हमारे रिश्ते में संभव नहीं है। हमारे बीच न पति पत्नी का रिश्ता कभी था न कभी होगा। तो इसी तरह हमारा नाम जहां जहां एक साथ जुड़ा होगा मैं उसे हटाऊंगा, मिटाऊंगा उसे। देख लो, अब तो हमारे नाम कहीं भी एक साथ नहीं जुड़े हैं ना? मैंने
मैंने कितनी बार तुम्हें बात समझाने की कोशिश की, आज फिर कर रहा हूँ। जितनी बार ये गलती देखूंगा उतनी बार मैं इस गलती को सुधारूंगा। ये वादा है बैरिस्टर अनिरुद्ध राव चौधरी का। पता नहीं पति बाबू आपको क्या हो गया, हर समय आप मुझसे लड़ाई क्यों करते हैं? मेरी कोई बात अच्छी क्यों नहीं लगती आपको? ठीक है, अब वो कीजिए जो आपका मन कहता है, मैं वो करूंगी जो मेरा मन कहता है। वंदिता, 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 मैं तुमसे लड़ नहीं रहा। मेरी लड़ाई बाल विवाह जैसी कुप्रथा से है। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.